गाइज वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो है कि इस वीडियो में आपको मैं तिल के तेल के फायदे बताऊंगी कि तिल किन किन चीजों में यूज आता है, कैसे हम उसके फायदे उठा सकते हैं तिल के तेल के। तो तिल का तेल बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है हमारे लिए और हम किन किन बीमारियों को उससे दूर कर सकते हैं, कैसे यूज ले सकते हैं, ये सब आपको वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक देखिए। और तिल के बीज होते हैं वो विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट से जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं तिल के बीज, तो उन्हें खाना भी बेहद गुणकारी होता है। साथ ही तिल का जो तेल होता है वो बालों में लगाना, स्किन पे लगाना या बहुत सारी चीजों में यूज में लिया जा सकता है। तो एक एक करके मैं आपको कुल 6 फायदे बताऊंगी इस वीडियो में कि आप किन किन चीजों में यूज में ले सकते हैं और कैसे इसका यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका कि दर्द से राहत दिलाए। तो तिल का तेल होता है वो हमारे दर्द से राहत दिलाने में बहुत ही गुणकारी साबित होता है। अगर आपको कहीं पे दर्द हो रहा है, आपके साइड मसल्स खिंच गई हो या फिर आपको अंदरूनी सूजन हो, चोट का दर्द हो, कैसा भी आपका दर्द हो, आप उस पे जो तिल का तेल होता है उसे मालिश कर सकते हैं, आपको बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। क्योंकि उसमें ऐसे दर्द निवारक तत्व पाए जाते हैं तिल के तेल में जो आपका दर्द बिल्कुल चुटकियों में दूर कर देगा। तो आप इसको दर्द से राहत पाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्लड प्रेशर को कम करें। तिल के तेल में जो फैटी एसिड होता है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जो ब्लड प्रेशर के रोगी होते हैं उनको अपनी डाइट में तिल का तेल शामिल करना चाहिए। आप सलाद के रूप में उसका यूज कर सकते हैं या फिर आप वैसे थोड़ा सा तिल का तेल लड्डू खा सकते हैं। कैसे भी आपको अपने डाइट में इसको शामिल करना है। जो जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है वो इसका यूज कर सकते हैं, उनकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका आर्थराइटिस से आपको राहत दिलाता है। तिल के तेल में मौजूद लिग्नेनस के कारण इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो ये हमारे जो आर्थराइटिस होता है उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं या फिर इससे मालिश कर सकते हैं। जिनको भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम की शिकायत है वो इससे दूर हो जाती है। यह हमारे शरीर में होने वाली जो सूजन होती है उसको कम करता है। नेक्स्ट है आपका अनिद्रा के लिए। तो तिल के तेल में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो आपके जो मस्तिष्क में आपका रक्त प्रवाह होता है उसको बढ़ा देते हैं, उसकी गुणवत्ता अच्छी कर देते हैं, जिससे क्या होता है आपकी जो अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है और आपको जो नींद ना आने की प्रॉब्लम है वो दूर होती है और इससे नींद आपकी अच्छी आती है। इससे इसको अपने डाइट में शामिल करने के लिए। नेक्स्ट है आपका त्वचा के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जो आपका तिल का तेल होता है वो हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये नेचुरल जो सनस्क्रीन होता है उसके रूप में काम आता है। यह आपकी जो स्किन होती है उसको सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं उनसे बचाता है। तो आप नेचुरल सनस्क्रीन के रूप में इसका यूज कर सकते हैं या मॉइस्चराइजर के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। आपकी स्किन पे लगाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है ये। नेक्स्ट और लास्ट है आपका बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। ये आपकी जो स्कैल्प होती है उसको पोषण देता है और जिससे आपके बाल क्या होते हैं, हेल्दी और स्वस्थ रहते हैं आपके बाल। जो तिल का तेल होता है उसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो आपकी जो स्कैल्प के बैक्टीरिया होते हैं उसको खत्म करके आपकी जो जो स्कैल्प होती है उसको बैक्टीरिया से बचाते हैं और आपके बाल इससे हेल्दी रहते हैं। आपकी जो रूसी होती है वो इससे खत्म हो जाती है, किसी प्रकार का भी जो संक्रमण होता है वो इससे दूर हो जाता है और साथ ही साथ आपके बाल भी इससे घने होते हैं, काले होते हैं, क्योंकि ये बालों को बहुत अच्छी तरह से पोषण देता है जिससे आपके बाल जो जिनके रूखे बाल हैं वो रूखे बालों की प्रॉब्लम भी आपकी इससे खत्म हो जाएगी। बाल नहीं बढ़ रहे हैं तो वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। तो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है कि तिल का तेल बालों के लिए कितना फायदेमंद होता है, वो जाके आप देख सकते हैं। आप पूरी डिटेल में समझ सकते हैं कि तिल का तेल बालों में कैसे लगाएं और वो कितना फायदेमंद, कैसे कैसे फायदा करता है आपके बालों के लिए, तो आप वो देख सकते हैं। और ये था मेरा वीडियो कि तिल का तेल कैसे फायदेमंद रहता है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स और अपना ख्याल रखिए।